फिर आपका इस लेवल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट उतना ही सही क्रैश हो बात है। जाएगा। तो वो क्रैश या जैटपॉट या इस तरीके के जो शब्द होते हैं, वो शब्द का रियल कब हमको देखने मिलेगी, तो वो इस रियलिटी। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है, जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन की, मंडे के दिन बाजार कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि अभी हमारे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने कई वीडियो देखे होंगे और कई वीडियो में आपको यही चीज़ें बताई गई होगी कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके साइकोलॉजी लेवल क्या है। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, मार्केट हमारी साइकोलॉजी से किस तरीके से खेल रहा है। और अगर आप किसी भी तरीके का प्रीमियम बाइंग करते हो, चाहे आप कॉल साइड बाइंग करते हो या आप पुट बाइंग साइड करते हो, तो मार्केट आपको किस तरीके से बाहर निकाल देता है और फिर उसके बाद जो अच्छा मोमेंट हमको मिलता है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाते। तो आज के हम वीडियो में यही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में भी बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है आपको, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इस जगह कि अभी जो हमारा बैंक निफ्टी है, वो बैंक निफ्टी देखिए इस जगह 51,560 के आसपास हमको क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। यानी अभी जो इसकी प्राइस है वो अगर आप देखो तो 51,560 के आसपास हमको देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर हमारे लिए आ जाता है जो कि आता है 51,500। ठीक है, अब इसमें आप ये समझिए कि साइकोलॉजी नंबर है क्या बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमको दिखाई दे रही है, वही ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पे ये हमको ये नंबर दिखाई दे रहा है जो कि आपका 51,500। अब देखिए मार्केट के अगर आप ट्रेंड को देखोगे, अगर आप चार्ट को सही से देखोगे बैंक निफ्टी का, तो चार्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें इस जगह दिखाई दे रही है जो कि 1 आवर्स के चार्ट पे है। सबसे पहले कि जे मैंने कई बार इसके ऊपर बात की है कि जो आपका 400 वाला लेवल है, कौन सा 400 वाला, 52,400, ये आपका एक रेजिस्टेंस का नंबर है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप ऐसे प्राइस को मार्केट में पकड़ के रखिए जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है, और ऐसे प्राइस को आप पकड़ के रखिए जो आपका इसका सपोर्ट है जब तक वो नीचे की साइड ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ पूरे महीने अगर आप यही काम करोगे फिर भी आपके चांस बढ़े जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल ज़्यादा होने की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन लेवलों को ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में मैंने बार बार एक ही लेवल के बारे में बात किया, तो मेरे कमेंट में ये बात बहुत सारी आने लगी कि सर आप तो एक ही लेवल के बारे में बात करते हो, आपको तो आता ही नहीं है, आपने तो एक ही लेवल के बारे में बात किया है। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद लगातार उसी लेवल को देखिए, यहाँ पे क्या किया, उसी लेवल को देखिए बाजार ने रिस्पेक्ट किया। इसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट जोन, यानी एक जो प्राइस आ रहा है उस प्राइस को बाजार क्या कर रहा है, बाजार कर रहा है रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसने रिस्पेक्ट किया वहाँ से सेलिंग आ रहा है। अब नीचे वाला रिस्पेक्ट जोन कहाँ पे है, तो नीचे वाला आ जाता है ये जो कि आपका इस जगह के समथिंग। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक है जो कि 51,200। यानी रोल ओवर अगर हम समझ के चलते हैं, अभी तक जो इसके अंदर पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई दे रही है, वो आपके 1,000 से लेके आपका 1,200 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको रोल ओवर एक बड़ी रेंज हमको समझ में आ चुका है कि इस बड़ी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमको रेंज नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, बॉटम पे हम सेलिंग करेंगे, बाजार ऊपर चला जाएगा
और टॉप पे हम बाइंग करेंगे, बाजार नीचे आ जाएगा। यही मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि लेवल आपको हर कोई बताएगा, साइकोलॉजी आप समझो कि बाजार का साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि जो नीचे अपना इस लेवल को पूरा अगर ये कंफर्म करेगा तो यहाँ तक आ सकता है। यानी अगर हम बात करें तो आपका जो करंट प्राइस है वहाँ से थोड़ा सा और हम नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखिए इस जगह क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट का चार्ट जब लगाया जाता है, जब आपके पास ट्रेंड बहुत सही हो, ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट में मैंने आपको ये वाला ले प्राइस बताया था 400 वाला। अगर यहाँ पे इसने क्या किया था, जब हम इंटरडे में काम करते हैं तो इस चीज़ का विशेष याद रखना है आपको। विशेष विशेष में मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, पहला टॉप बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ था। कहाँ पे? इंटरडे में एक डब्लू पैटर्न हुआ था और इसको हम कहते हैं डबल टॉप। इसको हम क्या कहते हैं? डबल टॉप। जब आपका डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हुआ तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे डबल टॉप का अगर ये ब्रेकआउट देगा, यही हम तेज़ी के साथ जाएंगे, वरना हम तेज़ी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि डबल टॉप के साथ हमारे पास इस जगह 52,500 एक साइकोलॉजी प्राइस है। क्योंकि डबल टॉप जो आपका बना था वो 52,400 पे बना था और उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो एक साइकोलॉजी प्राइस था जो कि आपका 51,500 के आसपास का था। यानी यहाँ पे दूरी कितनी थी, यहाँ पे दूरी थी आपका देखे 1,000 पॉइंटों की। ये तो बात वही हुई कि एक खाई है, खाई के पास हम आ चुके हैं। अब उसमें दूरी हमको दिखाई दे रही है कि भाई 100 मीटर और चलोगे तो एक खाई है। अगर हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलर आपके बैठे हुए हैं, हम क्यों बाइंग करेंगे? लेकिन अगर जिन लोगों ने बाइंग किया उनका लॉस हुआ, और जो जितनी बड़ी तेज़ी से देखे बाजार ऊपर गया था, ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग हमको होता हुआ दिखाई दिया। तो प्रोबेबिलिटी अभी इस बात की ज़्यादा है कि अगर ये 51,500 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, जिसमें हमको सपोर्ट फिर देखने को मिलेंगे 51,300, फिर आपका 51,200 और फिर आपका 51,000 के आसपास हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके नीचे फिर हमको एक और लेवल दिखाई देता है जो कि 50,800। ठीक है, यानी ये हमको यहाँ तक एक चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई कि कंडीशन ये बन रही है। लेकिन कई बार बाजार क्या करता है, कई बार बाजार आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो गैप डाउन ओपन या गैप अप की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए कल एक और कमेंट मेरे पास आया था, उसमें एक सवाल आया था कि सर आप बाइंग साइड भी बता देते हो कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है, आप ये भी बता देते हो कि बाजार नीचे आएगा, आप दोनों तरफ के व्यू क्यों देते हो? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बाजार कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। आप ये मत समझ के चलिए कि आपके हिसाब से ही मार्केट चलेगा, आप मार्केट से बड़े नहीं हो। और जो कहता है ना मैं मार्केट से बड़ा हूँ, फिर तो भाई होगा वो बड़ा अगर वो कह रहा है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे इन्वेस्टर देखे हैं, कोविड के समय आप देख लीजिए ना, कोविड के समय कितने लोगों को लॉस हुआ। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना है, उन्होंने भी बोला था कि मार्केट बहुत महंगा है, मार्केट वहाँ से गिरा और उसके बाद मार्केट जब आपका 7,000 के समथिंग था, निफ्टी 7,000 के समथिंग था, तो वॉरेन बफेट ने क्या बोला था, मार्केट अभी यहाँ से और गिरेगा, ठीक है मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और वहाँ से अगर आप देखो तो 24,000 के समथिंग हो गया, 7×7 = 14, ठीक है 14 पे तो आपका डबल ही हो गया मार्केट, और वहाँ से ट्रिपल हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टर भी गलत हुए जिन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया। तो आपको क्या समझना है, आप ये मत समझिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। आपको इसके सपोर्ट भी पता होना चाहिए, आपको इसके रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये नीचे की साइड आता है तो मेरा क्या वहाँ पे व्यू क्या होता है, क्या मैं उस जगह सेलिंग करने के लिए तैयार हूँ या फिर मैं इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखूँगा, क्योंकि ये आपका सपोर्ट बना रहा है।
तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं एक ट्रेल लाइन इसमें लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनना है और इस पैटर्न को हम बोलते हैं देखिए एक रेंज बाउंड, ठीक है। यानी बाजार आपका एक रेंज के अंदर काम करता है और उस रेंज को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या करते हुए काली आत्मा का देखिए फिर भी सो, ठीक है। मतलब कुछ लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे बताते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसके ग्रह के इस हिसाब से बाजार चलेगा। तो अगर ये भी सब कुछ होता है तो भाई होता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। मुझे जो पता है वो यही पता है कि बाजार नीचे तक आपका जो सपोर्ट है वो आपका 50,600 के समथिंग, अगर यहाँ पे कहीं आता है बाजार इस लेवल पे कहीं पे मिलता है, क्योंकि 50,600 के समथिंग का प्राइस है, अगर इस प्राइस के समथिंग हमको मिलेगा, ठीक है, इस प्राइस के समथिंग अगर हमको मिलेगा तो यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी है जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ पे गलत होने के चांस यहाँ पे हमको 20% है, ठीक है, और गेन होने के चांस हमको यहाँ पे 80% है। यानी अगर हमको प्रॉफिट होगा तो 80% हमको यहाँ पे बाइंग साइड हो सकता है, ठीक है, और 20% हमारे जो एसएल होने के चांस है वो इस जगह है, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड थोड़ा कम्फर्ट है। अब कैसे कम्फर्ट है, जैसे कि देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, ये मैंने पहले से देखिए यहाँ पे लगा के रखे हैं, ठीक है, ये पहले से लगा के रखे हैं। अब यहाँ पे अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कि आपका 50,600 वाला लेवल है, यहाँ पे आया, थोड़ा समय बिताया, फिर उसके बाद ऊपर की साइड गया, इसमें हम अपसाइड मूवमेंट बना सकते हैं, या फिर ये इसी के प्राइस के आसपास आया और यहाँ पे इसने पहला कैंडल क्या किया, पहला रेड बना दिया, फिर उसके बाद दूसरा कैंडल ग्रीन और फिर आपका ग्रीन, यानी इस कैंडल को इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी हम इसमें अपसाइड जा सकते हैं और जो आपका रेड कैंडल है उसका नीचे का हम ऐसे लगा के चल सकते हैं। अब देखिए बाजार के आप चीज़ों को थोड़ा समझो कि अपने टॉप से ये करेक्शन कितना देता है, यानी जो इसका रेजिस्टेंस है, तो हमारा सपोर्ट कहाँ पे बनना है, हमारा सपोर्ट ये, तो यहाँ पे देखिए 1,770 पॉइंटों के ऊपर से हमको सेलिंग आती है और ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास। इसके पहले भी देखिए क्या हुआ था, यहाँ से ही अगर आप देखो तो इसी लेवल के आसपास आया था, ऑलमोस्ट देखिए उतना ही सेलिंग आया था, फिर आपका इस लेवल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट उतना ही सेलिंग आया था। तो ये लेवल का कमाल है, अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर बेकार है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नीचे कहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और इस चीज़ को भी अब मैं इस जगह आपको लिखना चाहूँगा कि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 500 से लेके 700 पॉइंटों का एक मूव हमको देखने को मिलेगा, जो कि अपसाइड हो सकता है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया है कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है, रेंज के अंदर हमको कैसे काम करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम देखेंगे वन डे के चार्ट पे हमको क्या देखना है, क्या अभी बाज़ार बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसका जो लो था उस लो से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन देखिए यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत बड़ी गिरावट आनी है इसके अंदर, मतलब कहते हैं ना कि भाई जैकपॉट लगेगा, बाजार क्रैश हो जाएगा, तो वो क्रैश या जैकपॉट या इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो शब्द का रियल कब हमको देखने वालेगी, तो वो रियलिटी देखने वालेगी 50,500 या इस जगह 50,400। इसके नीचे अगर जाता है बाजार, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि आपको 1,000 से लेके 1,500 पॉइंटों की सेलिंग आ सकती है, ठीक है, इसके नीचे अगर जाता है तो, ठीक है, उससे पहले नहीं। और अगर इस वाली रेंज के ऊपर निकलता है, जो कि 52,500, इसके ऊपर निकलता है तो 2,000 से लेके 3,000 पॉइंटों के हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर। बाकी इंटरडे के दो लेवल थे मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, वो मैंने आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।